हेलो माय डियर स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आ रियल स्टडी वाइंट स्टूडेंट टुडे आई टीच ऑफ यू साइंस क्लास एट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मेटल्स मिस होता है बेटा धातु और नॉन मेटल्स मिस होता है अधातु ठीक है जैसे जो आपके आयरन स्टील ये सब क्या होते हैं मेटल्स होते हैं वुड और ये सब जो लिक्विड होते हैं ये सब क्या होते हैं नॉन मेटल ठीक है बट एक मरकरी एक ऐसा मटेरियल है जो कि लिक्विड होते हुए भी क्या कहलाता है मेटल द प्रोग्रेस ऑफ मैन टूवर्ड्स सिविलाइजेशन इज लिंक्ड विथ द डिस्कवरी ऑफ सेवरल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स द प्रोग्रेस ऑफ मैन towards जैसे ही मानव आगे की तरफ विकास करते गए विकसित होते गए सिविलाइजेशन उनकी सभ्यता उनसे लिंक्ड जुड़ती गई विथ द डिस्कवरी ऑफ सेवरल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के मेटल्स और नॉन मेटल की खोज भी होती गई मैन हैज बीन ऑन द प्लानिट विथ फॉर ओवर दिस वन लैक्स यस मतलब मैन हैज बिन ऑफ द प्लानिट लोग प्लानट जैसे अर्थ क्या एक है प्लानट है हम लोग प्लान पे कब से रहते हैं लगभग एक लाख वर्ष पहले से रहते हैं हाउईवर जब कभी मेटल्स वे आर डिस्कवर्ड ओनली अराउंड फाइव थाउजेंट ईय ले लेकिन मेटल की जो खोज हुई लगभग कितना फाइव थाउजेंड पाँच हजार वर्ष पहले नॉन मेटल्स वे आर डिस्कवर्ड मच लेटर और जो नन मेटल है नन अधातु है इसकी खोज उसके बहुत अधिक बाद हुई द अर्स्ट नॉन मेटल्स नोन टू मैन आर कार्बन एंड सल्फर और पहले के लोग नॉन मेटल में जैसे कार्बन और सल्फर को ही जानते थे रिमेनिंग नॉन मेटल्स वे आर डिस्कवर्ड फ्रॉम द सेवेंथ सेंचुरी हार्डवर्ड्स और अदर जो अधातुएं थी इनकी खोज सेवेंथ में शताब्दी में हुई वी यूज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर मेकिंग टूल्स टूल कार्स ट्रक्स ट्रक्सिप हाउसेस ज्वेलरी यूटेंसिल यूटेंसिल्स कि हम लोग ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इसका यूज करके क्या बनाते हैं बर्तन मशीनें गाड़िया ट्रक ये सब क्या करते हैं नॉन मेटल धातु से बनाते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों को मिला करके ये सब चीजें बनती हैं सम ऑफ द कॉमन मेटल्स आर आयरन कॉपर सिल्वर गोल्ड लेड जिंक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम निकिल क्रोमियम एंड मरकरी और ये सभी क्या है मेटल है धातु है सम ऑफ द कॉमन नॉन मेटल्स यूज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन सल्फर फास्फोरस एंड क्लोरीन। ये सभी क्या है नॉन मेटल्स इसका भी हम यूज करते हैं और ये मेटल इसका भी यूज करते हैं सम ऑफ द कॉमन नॉन मेटल्स यूज आर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन सल्फर नेक्स्ट कॉपी है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिजिकल मीन्स तो होता है भौतिक गुण मीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है कि एक बार जिसको आप उसके दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिए पुनः अपने सेम फॉर्म में नहीं आ सकते या उसे आप नहीं ला सकते इसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड फिजिकल स्टेट लेस्टर हार्डनेस मेलाविलिटी डक्टिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड स्नॉलिटी ये सभी क्या होते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बहुत ही गुड़ होते हैं फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था आर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है आप जानते हैं कि जो रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस होता है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर जितने भी मेटल्स हैं सभी क्या होते हैं सॉलिड दे रिटेन दियर शेप्स इन नॉर्मल कंडीशन और इसमें उनका जो कंडीशन होता है शेप होता है नॉर्मल होता है दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ देम आर टाइटली पैक्ड ऐसा इसलिए होता है कि उनके बीच जो मालिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं टाइटली बधे होते हैं हाउ यूवर जब कभी देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ मरकरी क्या होता है जब मरकरी में एक्सपेंशन होता है फैलाव होता है इट इज लिक्विड एट रूम या ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में होती है नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स अधातु नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ये तीन भौतिक गुणों के आधार पे होते हैं या उनके अंदर होते हैं दे आर सॉलिड ये सॉलिड भी हो सकते हैं लिक्विड हो सकते हैं आर गैशियस एट रूट टेम्परेचर मतलब एक रूम के तापमान पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में हो सकते हैं